नमस्कार मित्रों, पारे के 8 संस्कारों में से आज जानने की कोशिश करते हैं पारे के 5वें संस्कार के बारे में। स्वर्ण और देह सिद्धि के लिए यह परम आवश्यक है। इस संस्कार को होने के बाद पारे में बहुत अधिक उपयोगी गुण विद्यमान हो जाते हैं। ये गुणों के बारे में आपको आगे बताया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब इंडियन टैलेंट, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ग्रंथों के रहस्य। मित्रों, उत्थापन संस्कार के बाद ही पातन संस्कार करना चाहिए। ये पारे का 5वां संस्कार है। इसे अधः पातन, ऊर्ध्वपातन या तिर्यक पातन नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पातन संस्कार की विधि 1। तूतिये के साथ पारे का मर्दन कर जल से धोकर साफ कर लें तो पातन क्रिया संपन्न हो जाती है। विधि 2। पारे के बराबर गंधक लेकर खरल में डालकर नींबू के रस में मर्दन करें तो उसका पातन संस्कार संपन्न हो जाता है। विधि 3। पातन संस्कार के लिए गंधक, चित्रक, सेंधा नमक तथा नींबू का रस मिलाकर मर्दन करें तो निश्चित रूप से पातन संस्कार संपन्न होता है। विधि 4। यदि तूतिया, सोना माखी और घी ग्वार मिलाकर पारे को उसमें घोटें और जब ये तीनों मिल जाएं तो उसका पातन संस्कार संपन्न होता है। विधि 5। यदि पारे को बराबर नींबू के रस में घोटते रहें और उसे धीमी धीमी आंच पर पकाकर पानी उड़ा दें तो निश्चय ही पातन संस्कार संपन्न हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पारा कहा गया है और संपूर्ण जीवन को अनुकूल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग नंबर 1। यदि किसी का गर्भधारण नहीं हो रहा हो या गर्भाशय में किसी प्रकार का दोष हो या सूजन हो तो इस पारे को गर्भाशय पर कुछ दिनों तक बांधने से गर्भाशय संबंधित सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2। यदि गर्भाशय का मुँह टेढ़ा हो और संतान नहीं हो पा रही हो तब भी इसी प्रकार के पारे का प्रयोग किया जाता है। उपयोग नंबर 3। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। जिस पुरुष के वीर कर्मों में दुर्बलता हो या वे मृत हों या किसी प्रकार की कमजोरी हो तो इस प्रकार के पारे को मलमल के कपड़े में रखकर इंद्रिय पर कुछ दिनों तक बांधने से वीर कर्ण सजीव उठते हैं और वह संतान पैदा करने में सक्षम हो जाता है। उपयोग नंबर 4। यदि कान का पर्दा कमजोर हो गया हो या कम सुनाई दे रहा हो तो पानी में इस तरह का पारा मिलाकर उसकी 2 बूंद कान में डालें तो वो धीरे धीरे कान से संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं। नंबर 5। यह क्षय रोग में बहुत ही अधिक सहायक है। इस पारे को जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो कुछ समय में क्षय रोग समाप्त हो जाता है। मित्रों, इसके अलावा और भी इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, परंतु कुछ उपयोग खाने के हैं इसलिए यहाँ पर नहीं दिए गए। इसी के साथ ये 5वां संस्कार समाप्त होता है और इसी क्रम में आगे आने वाली वीडियो होगी भारत का 6वां संस्कार। धन्यवाद मित्रों। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।